हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता भट्ट और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ आज शाम को 4 बजे से, और अब मैं आई हूँ छत पे, और आज मैं छत पे से स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैं शाम का मौसम दिखाती हूँ अपने यहाँ का, शाम को हमारे यहाँ किस तरीके का नज़ारा होता है, किस तरीके का नज़ारा होता है वो दिखाती हूँ मैं आपको। और सामने ना कबूतर भी उड़ रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, शाम को हमारे यहाँ इस तरीके का नज़ारा होता है खूबसूरत सा। देखिए, और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, आज मैंने देखिए इतने सारे कपड़े धोए हैं, और आज मैंने मशीन लगा रखी थी, और बहुत 2-3 दिन के कपड़े जुड़े हुए थे क्योंकि बीच में कहीं जाना पड़ गया था, तो इसलिए कपड़े नहीं धो पाई। और देखिए सामने ये कबूतर उड़ रहे हैं, और मैं आई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए, तो मैं ले जा रही हूँ कपड़े नीचे। और दोस्तों ये देखिए, आयुष उड़ा रहा है पतंग, आयुष आए छत पे पतंग उड़ाने के लिए। उड़ाओ उड़ाओ, गिरना मत। आयुष ला, मैं दुर्गाई दूं। तो दोस्तों आयुष यूं कह रहा है मुझे कि पतंग उड़ानी तो आपको आती नहीं है, और दुर्गाई दोगे बड़ी। ये देखो कैसे उड़ा रहा है पतंग, पीछे का भी ध्यान रखना। हाँ तभी तो दूंगी जब नीचे आएगा। तो मैंने उतार दिए हैं, और अब मैं आई हूँ नीचे, और मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई में देखिए मेरे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए सिंक में, और ये देखिए पीछे, तो मैं इन्हें धो रही हूँ। और चाय तो मैंने पहले ही बना दी थी, और चाय तो बाद में बनेगी फिर, ये चाय ना हमारे यहाँ ज़्यादा पीते हैं, तो चाय तो बार बार बनती है, चाय का क्या कहना। आयुष क्या चाहिए? तो दोस्तों आयुष अब बोल नहीं रहा है, और आयुष कह रहा है कि मुझे 5 रुपये चाहिए पतंग के लिए, क्योंकि आयुष की पतंग ना फट गई थी, तो इसलिए आयुष 5 रुपये मांग रहा है। लेकिन मैं दूंगी नहीं, दे दूंगी नहीं। अब मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, और अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय बन रही है, चाय भी बन के तैयार है, और अब चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आप। Hey guys, अब शाम का व्यू है, ये देखो, और हम बैठे हैं बाहर, और ये है मेथी, मेथी की कटिंग हो रही है, और मटर छीली जा रही है। आज मेथी की कढ़ी बनेगी, और ये मटर छील रही है, और वॉइस बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आ रही है, क्योंकि आज यहाँ पर शादी है, इसलिए वहाँ पर घुड़चड़ी हो रही है, तो कुछ आवाज़ कम ही आएगी मेरी। और बारात की एक झलक भी दिखाएंगे आपको जरूर। ओके दोस्तों। ये आयुष ने क्या लगा रखा है नाक पे, क्या है आयुष ये? तो बारात भी चली गई है, और बारात की मैंने एक झलक दिखा दी थी आपको, और बारात जो है हमारे अगले वाले मोहल्ले से थी। और अब 7 बज गए हैं, तो अब खाने की भी तैयारी कर रहे हैं, और आज खाने में बना रही हूँ मैं कढ़ी, और कढ़ी आज नई तरीके से बना रही हूँ। कढ़ी में डाल रही हूँ मैं हरी मेथी, तो देखते हैं आज कैसे कढ़ी बनती है, और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। बनाने के लिए हरी मेथी जो साफ कर ली, और काट भी दी, और अच्छे से मैंने ये धो भी दी, और इधर ये मैंने मट्ठे के साथ जो है बेसन मिला दिया है, और ये पकौड़ी के लिए जो है मैंने बेसन घोल दिया, और कढ़ी में डालने के लिए मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना दिया है, और इधर गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई,
तो तेल भी डाल दिया मैंने कढ़ाई पे, और तेल हो गया गरम, और पहले मैं बनाऊंगी पकोड़े। तो ये देखिए पकोड़ी बन के हो गई रेडी, और अब निकालूंगी इन्हें। और अब इसी तेल में डाल दिया मैंने मेथी और जखिया। और अब देखिए इसमें डाल दिया मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च जो भी मैंने काट रखा था, और ये है हरी मेथी। किस किस ने बनाई है हरी मेथी की कड़ी, और ये जो है बहुत टेस्टी होने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी। और ये देखिए प्याज भुन गए हैं, और मैंने इसमें सारा मसाला जो है इसमें मिला दिया है, और जो मैंने कड़ी के लिए वो बेसन वगैरह तैयार करके रखा है उसमें मैंने डाला नहीं है। और अब डाल लूँ मैं मेथी। और इसे नहीं इसके साथ अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे पहले। देखिए दोस्तों ये जो है मेथी अच्छे से भुन गई है, और मतलब अच्छे से फ्राई हो गई है ये। और ये कड़ी जो है ना, कड़ी वैसे नुकसान भी देती है बड़े बुड्ढों को, और इसमें अगर ये डाल दिया ना मेथी तो ये नुकसान नहीं देती है, बहुत फायदा करती है। और हरी मेथी वाली कड़ी किस किस ने बनाई है और किस किस ने खाई है कमेंट में बताना। और अब जो मैं इसमें बेसन का घोल मिलाऊंगी, और ये कड़ी ना बहुत हेल्दी होने वाली है। और एक राज और बताती हूँ मैं आपको आज कड़ी बनाने का। अभी मैंने ना इसमें नमक नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला, क्योंकि नमक से ना कड़ी ज़्यादा उबलती है, और आपको पता होगा कि कड़ी ना बहुत ज़्यादा उबलती है, उसे चलाते रहना पड़ता है। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और नमक मैं तब डालूँगी इसमें जब पहले इस पर एक उबाल आ जाएगा और ये पकनी शुरू हो जाएगी, तब इसमें नमक डालूँगी। और ये देखिए पकोड़े जो हैं ये मैंने पानी में भिगो दिए हैं, फिर ये ना सॉफ्ट हो जाते हैं, वैसे अगर वैसे डालो तो ये टाइट टाइट रहते हैं। और अच्छे से देखिए देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए ये। और जब ना कड़ी उबल जाएगी पकने शुरू हो जाएगी तब छोड़ेंगे इन पकौड़ों। देखिए दोस्तों कड़ी जो है उबल गई है और पकने भी लग गई है। देखिए अब मैं ना इसमें नमक ऐड करूँगी। दोस्तों नमक भी ऐड हो गया और कड़ी जो है हमारी अच्छे से उबल गई। और देखिए अगर मैं इसमें नमक पहले डालती तो कड़ी ना चारों तरफ गिर जाती उबल के। और अब जो मैंने इसमें नमक बाद में डाला, और अब जो है पकौड़ों का नंबर है, और ये जो मैंने भिगो रखे ना पकौड़े इन्हें निचोड़ के डालना है अच्छी तरीके से पानी में, और जो पानी रहेगा आप चाहे तो इसमें डालिए, और मतलब अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये पानी भी कड़ी में डाल सकते हैं क्योंकि इसमें तेल तेल जो दिख रहा है, तो मैं तो डालती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं इसमें, और अब कड़ी जो है बन के रेडी है। और अब मैं ना थोड़ा सा इसमें हींग डालूंगी, ये रहा हींग, हींग डाल के ना अच्छे से मिलाऊंगी इसे।